firstly, ma'am, what you would like to say for the sir? It's his bird. Well, हमने बहुत क्लोजली काम किया है सर के साथ दिया अलवेला राजश्री प्रोडक्शंस तो वैसे ही राजश्री प्रोडक्शंस इतनी फैमिली फीलिंग है और उसके साथ साथ आशीष सर के साथ काम करना बहुत अच्छा शो था बहुत अच्छा ग्रुप था एक फैमिली थी तो आज वो फैमिली रीयूनियन हुआ है इनफैक्ट जैसे ही मैंने एंटर किया वैसे ही मैंने अपनी पूरी फैमिली को देखा तो इतना अच्छा लगा और हम हमेशा कनेक्टेड रहे हैं थैंक्स टू द गणेश फेस्टिवल हम हमेशा सर के घर आते हैं हर गणपति तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमेशा कनेक्टेड रखती हैं एंड ऑफकोर्स वी ऑल नो दैट ही इज़ अ फैबुलस फैबुलस डायरेक्टर मैं तो अभी भी अपनी टीम से कहती हूँ दैट आई रियली मिस वर्किंग विद हिम और बहुत अच्छा लग रहा है इट्स हिज बर्थडे आई ओनली विश द बेस्ट फॉर हिम और वो इसी तरह अच्छा अच्छा काम करते रहे हमें अच्छे अच्छे शोज देते रहे यही मेरी विश है साथ ही सभी ऑडियंस ये भी जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में क्या कुछ सरप्राइज आपकी तरफ से मिलेगा क्या कुछ उन्हें नया देखने मिलेगा थैंक यू सो मच वैसे तो भाग्य लक्ष्मी इज डूइंग प्रीटी वेल तो बहुत सारा प्यार मिल रहा है हमें ऑडियंस की तरफ से ढेर सारा प्यार शो अच्छा कर रहा है दूसरे साल में पहुँच गया है और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही प्यार मिलता रहे सबका और शो ऐसे ही चलता रहे और ऑफकोर्स साथ में है सास बहू और बेटियाँ तो आई थिंक माई हैंड्स आर फुल अब महीने में 30 दिन ही होते हैं काश 40 दिन होते कि मैं कुछ तीसरा कर पाती बट वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड लाइक आई सेड कि यू नो मे गॉड ऑलवेज हैव हिज ब्लेसिंग्स ऑन मी साथ ही बिग बॉस चल रहा है क्या आप बिग बॉस फॉलो कर रही हैं अगर फॉलो कर रही हैं तो क्या आपके कोई फ्रेंड्स हैं इस बार देखिए मेरे ऐसे कोई फ्रेंड्स तो नहीं हैं बट आई सी अ लॉट ऑफ कंपटीशन आई फॉलो द शो मैं ऐसे रेगुलरली नहीं देखती बट उसके हाईलाइट्स आते रहते हैं क्योंकि मैं सास बहू और बेटियाँ करती हूँ तो देखती रहती हूँ कि कुछ ना कुछ हो रहा है सो बहुत सारे धमाके हैं यू नो आई रियली लाइक सुंबल फॉर सम रीज़न मुझे उनका काम अच्छा लगा था इमली में तो मैं उनकी एक तरीके से फ़ैन हूँ तो अच्छा लग रहा है वो जिस तरीके से गेम खेल रही है ऑफ कोर्स देयर इज शालीन हु इज अ टफ कॉम्पिटिटर पीपल लव टू हेट हिम तो वो वाली चीज़ भी चल रही है एंड ऑफ कोर्स देयर इज वेरी क्यूट अपू दैट वी आर ऑल ह्यूज फैंस ऑफ तो आई थिंक वो तो मेरे मोस्ट फेवरेट कंटेस्टेंट है मतलब यू नो आई कुड से इट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा विदाउट बीइंग डिप्लोमेटिक बहुत बहुत क्यूट है वो और आई मीन एक दूसरी कंट्री से आके इस कंट्री के बिग बॉस के घर में कैद होना और इतने अच्छे से इतने स्पोर्टिंगली गेम खेलना हैट्स ऑफ टू हिम बस यही कहना चाहूँगी कि ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और शो देखते रहें ये जानना चाहेंगे आज आशीष जी का बर्थडे है एंड एज वेल एज पूरी फैमिली फ्रेंड्स सभी एक साथ है दी फर्स्ट इंटरेक्शन विद आशीष जी ओके माई फर्स्ट इंटरेक्शन विद आशीष सर वॉज 5 years बैक व्हेन आई शॉट फॉर द राजश्री शो पिया अलवेला एंड तब से एसोसिएशन कंटिन्यूसली रहा है 5 साल हो गए हैं लेकिन पता ही नहीं समय कैसा चला गया एंड आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम आशीष साथ ही अब तक के सभी किरदार को आपके बहुत ज़्यादा पसंद किया है सभी ऑडियंस ने वो ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ सरप्राइज आपकी तरफ से देखने मिलेगा कुछ नया आप कौन से किरदार के बारे में बात कर रहे हैं इमली के बारे में बात कर रहे हैं इमली ओके हाँ इमली में मैं नेगेटिव प्ले कर रही हूँ मैं जब जब आऊँगी ना तो कुछ नया अपने साथ लेकर आऊँगी तो यू नो यू जस्ट नीड टू वेट एंड वॉच साथ ही बिग बॉस 16 में इस बार हम देख सकते हैं कि सुंबल का भी जो किरदार लाइक जो है कैरेक्टर जो दिख रहा है लोगों को पहले तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगा कि सुंबल को जिस तरीके से हम देखते थे लेकिन वो बहुत शांत दिख रही है अंदर आपका क्या ओपिनियन है प्लीज़ बताइए देखो जितना मैंने सुंबल को नोटिस किया है हमने जब 1.5 साल शो एक साथ में हमने शूट किया है वो चुलबुली सी है उसे गुस्सा भी आता है बचपना भी है उसमें लेकिन वो इंटेलिजेंट है उसे पता है कि किस समय मुझे क्या बोलना है तो हो सकता है कि उसने पहले सब छुपा करके रखा हो और अब वो अपना हिडन टैलेंट बाहर निकाल रही है जो बहुत अच्छा है
साथ ही एनी मैसेज टू द ऑडियंस लाइक और भी कोई नई अपकमिंग कोई भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हो जैसे? हाँ, मैं करंटली दो वेब सीरीज कर रही हूँ. एक मैं कर रही हूँ सोनी लिंक के लिए, उसमें मेरे साथ में है शर्मन जोशी है, विमान बघेला है, प्रीति शामियानी है, मुन्ना सिंह है. शूटिंग अब कंप्लीट नहीं हुई है, प्रॉबेबली इस मंथ कंप्लीट हो जाएगी. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक और बुक सीरीज कर रही हूँ, दैट इज फॉर पॉकेट केसेस, जो नेक्स्ट मंथ कंप्लीट होगी. तो मैं दो वेब सीरीज कर रही हूँ. एंड वन मोर गुड न्यूज, यस्टरडे ही मैंने साइन एक और वेब सीरीज की है, दैट इज गोइंग टू बी विद इलियाना डिक्रूज. तो आई हैव थ्री वेब सीरीज विद मी ऑन हैंड राइट नाउ. एंड इमली में तो मैं हो ही हूँ, मैं जब जब आऊँगी तो कुछ नया एंटरटेनमेंट आप सबके लिए लेकर के आऊँगी. साथ ही ऑडियंस हमेशा से ईगर होती ही है किरदार जानने के लिए. अगर कोई आप अगर एक किरदार बता दें किस तरीके का देखने मिलने वाला है उन्हें? आप इमली की बात कर रहे हैं? जी नहीं, तीन वेब सीरीज जो आ रही है. अच्छा, तीन वेब सीरीज. ओके. आई विल टेल यू. जो मैं अपलॉस एंटरटेनमेंट के लिए जो कर रही हूँ, जो सोनी लिव प्लेटफॉर्म के लिए है, उसमें मुझे कॉर्पोरेट लुक दिया गया है. उसमें भी मैं यू नो नेगेटिव जैसे मैं इमली में हूँ, बट इट्स अ वेरी सोफेस्टिकेटेड. मैं ज़्यादा वर्ड्स नहीं यूज़ करूँगी, बस माई बॉडी लैंग्वेज एंड माई आईज इज इनफ टू यू नो कन्वे वॉट आई एम गोइंग टू से और वॉट आई हैव टू से. और जो मेरा सेकेंड किरदार है वो सीरीज में, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. आई एम प्लेइंग अ मदर टू द यू नो किड्स टू द हीरो, बट टूवर्ड द एंड ऑफ द सीरीज यू नो पता चलेगा कि ये जो मौतें हो रही है यहाँ पर, बहुत सारे लोग गायब हो रहे हैं, तो उनके पीछे मेरा हाथ है. सो आई एम द मायासु. और जब सीजन टू आएगा बहुत सारा काम होगा मायासु को करने के लिए, लेकिन अब पहले सीजन वन कंप्लीट हो जाए उसके बाद. लास्टली एनी मैसेज टू द ऑल द फैंस? आई लव यू एंड यू नो आप लोग इतना प्यार देते हैं, दैट्स वाई यू नो आई हैव बीन ग्रोइंग सो मच एज एन एक्टर. जब आजकल तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना यू नो फेमस हो गया है, सब हम सारे एक्टर्स उस प्लेटफॉर्म पर हैं, लेकिन वहाँ पर हमें पता चलता है कि आप हमें कितना प्यार करते हैं. और जब हमें आपका प्यार पता चलता है, इट्स लाइक वी वॉन्ट टू पुट इन मोर एनर्जी, मोर जेस्ट, एंड देयर इज सो मच ऑफ एंथुजियाज्म टू गिव यू अ लॉट मोर ऑफ एंटरटेनमेंट. थैंक यू सो मच. Thank you so much for lovely gift. Thank you, Thank you. माइक का है सारे, लाओ माइक. मैं यूनिक सवाल पूछूंगा सर. तो आज सर का बर्थडे, आपको कैसा महसूस हो रहा है बर्थडे पर आकर? कैसा महसूस हो रहा है? इतनी यूनिक क्वेश्चन है ये, तो ये महसूस वाले सारे का बड़े डिफिकल्ट है. आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन. अच्छा, पहले तो सर को विश करता हूं आप मीडिया के सामने. सर आपको ये सारे मेरे पे आते, मेरे को मेरे पे विश हो गई. अगर आपको आपके सर आपके सारे दोस्त
सारे सर ये प्यारे लोग आए हुए हैं। ये लड़का ना दिल का बहुत अच्छा है। अच्छा दिल की इच्छा बाकी है। ड्रेसिंग सेंस में पसंद है लड़के की, मसल तो ऐसे की जैकेट फट जाते हैं। और जिया आप भी आइए यहाँ पर, जिया भी है साथ में यहाँ पर। जिया आप विश कीजिए सर को और बताइए कि इन दोनों की बॉन्ड जो सेट पे है वो कैसी रही थी, बॉन्डिंग इन की। सो फर्स्टली हैप्पी बर्थडे आशीष जी, जहाँ तक मुझे बिल्कुल बोला कुछ ज्यादा लगा। और जहाँ तक दोनों की बॉन्ड की सवाल है, मैं ये कहूँगी लव और हिट वाली रिलेशनशिप है। हाँ लव एंड हिट, मतलब प्यार भी बहुत है और आशीष जी इसको पढ़ती भी थी बहुत। तो आशीष जी स्ट्रिक्ट डायरेक्टर है आपके साथ, मैं चाहता रहे आशीष जी वांटेड हिम टू बोलो मुझे बोलो मुझे आप बोलोगे तो मैं करूंगा। हां सो ही जस्ट फॉलोड इंस्ट्रक्शन। हम ऐसे बोला मैं जाना जो हां जाते ना मतलब जल्दी से बताते नहीं करेक्ट। ये पंजाब का खेड़ूत लग रहा है मुझे पूरा। आप बोलो क्या करना है बताओ तुम, मैं कर लेता हूं वो वाला। बट और कुछ बताइए, यू वांट टू विश आशीष जी एंड टेल थ्री थिंग्स दैट यू लाइक अबाउट आशीष जी एंड विश हिम बर्थडे। मैं चाहता हूं कि जल्दी से इनके साथ में दोबारा से कोई शो करूं, दिस इज माय ड्रीम। और ऐसे ही मुझे सिखाते रहे क्योंकि ऐसे इंसान सीखने के लिए मतलब तमन्ना ही करते हो लेकिन आपको मिलते नहीं ऐसे लोग। और जो ये सामने वैसे के अंदर भी है तो ये कुछ नहीं रखते। सेट पे हुआ सेट पे खत्म। तो मैं चाहता हूँ कि ये इनकी अरे आओ ना अभी आपका इंतजार हो रहा है। साथी दी फर्स्ट इंटरेक्शन विद आशीष जी, इफ यू रिमेम्बर दैट एंड इफ यू लाइक दिस। आई थिंक फर्स्ट जो हमारी हमने मुखशूट किया था और वो करने के बाद जैसे इन्होंने वो इनका मैंने इनका पता किया कि सर कैसे, मुझे पता था कि बहुत स्ट्रिक्ट है लेकिन ये लव को लेकर लव ट्रायंगल को लेकर ना बहुत मजोर है। तो मैं चाहता था कि मुझे कुछ सिखाएं ये। और मैं इनको बस पहले दिन मैंने सिर्फ एक चीज़ बोली थी कि सर मैं खुद करूँ कर ले। मेरे एक हफ्ते बाद सर अब सिंगल लग गए हैं, अब आप जो बोले वही करेंगे। तो वो इंटरेक्शन जो था ना पहले का बस मुझे याद है। So what you would like to say about it? अपना लगा है मतलब जितना मुझे इनसे सीखने को मिला है पिछले 10 सालों में मुझे बहुत कम लोगों से मिला सर। इट्स अमेजिंग मतलब जितनी तारीफ करो उतनी कम। अब ये कहेंगे कैसे मुझे बोलते हैं मुझे बोलते हैं तो दिल में बोलते हैं थैंक यू सो मच। डेफिनेटली डेफिनेटली मिलेंगे, अभी चल रही है बात जैसे कुछ मुझे। और हाल ही में हमने देखा कि जो आपकी साथी जो आपकी स्वाति जी, स्वाति जी काशी तो दो सेकेंड टाइम हम करिए बाबा, उसको मैंने मैसेज किया तो कंग्रेचुलेशन सेकेंड टाइम मूवी बनने के लिए कुछ नहीं आवाज रहे ऐसे कुछ रहना बस। मैं टाइम पहले निकला था थोड़ा वही अरे यार शूटिंग में करना है मेरा तो वैसे ही चल रहा है ये चल रहा है फिर उसके बाद वो है फिर कुछ नहीं। आज आशीष जी का बर्थडे है, क्या कुछ कहना चाहोगे विशेष टू दी आशीष सर? हमारी दुआएं तो हमेशा इनके साथ हैं यार। आई वुड वांट हिम टू डू इवन बेटर, ही इज डूइंग अमेजिंग एंड मेरे फेवरेट डायरेक्टर। आई विश टू वर्क विद हिम अगेन, सो होपफुली जल्दी चांस मिलेगा इनके साथ काम करने का। एंड आई एम सो हैप्पी आई कुड मेक इट लाइक कम हियर एंड बी विद हिम स्पेंड टाइम विद हिम, दैट्स ऑल आई वांट। वेल व्हाट वाज द फर्स्ट इंटरेक्शन इफ यू रिमेंबर? फर्स्ट इंटरेक्शन सी ये लोगों को ऐसा अजीब बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को भी, लेकिन पहली बार ऐसा लगा कि यार दिस गाय नोज व्हाट ही इज डूइंग।
I mean, I'm talking about professional point of view से मिले थे, like he was my director and बहुत as an actor आपको बहुत relaxed feel होता है when your director is totally aware of what's going on the set. मैंने तो ये बात तक कह दी थी अपने producer से कि अगर sir जाएंगे तो मैं भी जा रहा हूँ. So you can imagine how much I like it. Same जैसे इन्होंने बोला ना, बस एक director के लिए बहुत important होता है कि ऐसा actor मिले कि जो कहना है ना वो इशारे से हो, वो इनको इशारा देना बहुत छोटा है, आपने इनको इशारा दे इनकी आँखें सब बोल देते. अरे वाह वाह. तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे एक्टर की आँखें बोल दी ना, मेरा काम हो गया, फिर मुझे इसे कुछ कराने का. तो वो इनमें वो कला अंदर है, वो फील करते हैं खुद. आशीष जी, साथ ही अब तक हमने सभी से बात की, सभी ने बहुत तारीफ की आपकी. तो बर्थडे पे भी आएंगे तो आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? शेर क्या कुछ अमेजिंग प्रोजेक्ट्स और भी आपके देखने मिलेंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाल ही में जो सॉन्ग आया है उसे भी लाइक बहुत प्यार मिला. अभी आप उसे तो सॉन्ग्स ही है और कुछ खास ऐसा नहीं है, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन अ डेली सॉन्ग. तो डेली सॉन्ग हो जाएगा तो आई वुड बी वर्किंग ऑन समथिंग एल्स, बट अभी तो ओनली माय प्रेजेंट शो. साथ में ये भी जानना चाहेंगे हाल ही में जो रियलिटी शो, मेरे सेट के एग्जैक्टली ऑपोजिट बिग बॉस का सेट है. कभी कभी सुनने में आता है कोई आया है, ये ऐसा कोई आया है, ये पता चलता है, लेकिन मैं आज तक देख नहीं पाया, मैं टीवी ही नहीं देख पाया हूँ. तो आई विल नॉट बी एबल टू से. साथ ही लाइक जिस तरीके से सीरियल्स में बहुत सारे अप एंड डाउन्स, नए नए अपडेट्स आ रहे हैं, लोग ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अपकमिंग आने वाला है, और आप सोशल मीडिया पे कितने फॉलो करते हैं, कमेंट्स को जो भी जितने भी मैसेज करते हैं? मैं इंटरेक्ट करता हूँ, दैट्स द ओनली वे आई इंटरेक्ट विद पीपल हु लाइक माय वर्क. उनसे बात करने का एक ही तरीका है. एंड शो में क्या होने वाला है और उस बात का जवाब दूँ तो एक्साइटिंग स्टोरी है, काफ़ी नई चीज़ें हो रही हैं, काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं शो में. अब उसके लिए आप देखिए वो थोड़ा मेरा सहारा होगा. थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस, सपोर्टिंग अस. आशीष जी के बर्थडे पे आए हैं, उनको आपकी तरफ से भी बहुत सारी दुआएं मिलनी चाहिए, बिकॉज ही इज़ एन अमेजिंग डायरेक्टर. वो अच्छा काम करते हैं और अच्छे लोगों को अगर और आप देखना चाहते हैं, अच्छा काम ऑन स्क्रीन देखना चाहते हैं, तो उन्हें सपोर्ट कीजिए. थैंक यू सो मच. मेरा मैं
ये हमारे प्यार के दर्द की टीम है, बाकी फिलहाल वही हो गया है, बाकी लापता नहीं है। अरे हो गए सर, हम लोग अच्छा हाँ बोला सर, आप बोलो कहाँ बोलो मैं वहाँ सर मैगा शूट कर रहे हैं आज सर, उनका भी शिफ्ट विशेष तरीके से हमेशा से है, बहुत बढ़िया कनेक्शन बन गया था, तो जिंदगी भर रहेगा, अलग से कुछ जो सर ने अपनी फैमिली में मुझे एक्सेप्ट किया पोस्ट प्यार का दर्द, सो इट्स बीन आई थिंक सर 10 years ऑफ द शो एंड 10 years ऑफ मी नोइंग हिम, और एवरी ईयर दैट फैमिली कनेक्शन इज देयर, इज ऑलवेज देयर, व्हेन आई कॉल हिम व्हेन आई नीड एनी हेल्प इज ऑलवेज देयर एज अ मेंटर, सो आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल एंड आई विश हिम ग्रेट ईयर एंड आई विश हिम दैट ही गेट्स ऑल द सक्सेस व्हाटएवर ही इज डिजायरिंग फॉर इन लाइफ, आई विश हिम दैट। व्हाट वाज द फर्स्ट इंटरेक्शन विद सर इफ यू रिमेंबर? मैं बहुत मस्ती करता था सर पांडे जी, बिल्कुल बाद में मुझे मालूम पड़ा कि आशीष ने सब एक्ट्रेस को इंस्ट्रक्शन दी थी, देश जी के अलावा सब पे कोई मस्ती नहीं बिकॉज तुम लोग सब अपने लाइन भूल जाते हो, क्या करना है भूल जाते हो, मगर निदेश ही नहीं भूलते। ये मुझे बाद में किसी कॉर्नर में जाकर किसी ने मुझे बोला था, ऐसा बोला है सर तू ये अपने तरफ से लोगों को बहुत डिस्ट्रैक्ट मत कर, उसके बाद से थोड़ा सुधरने की कोशिश की, बस ज़्यादा नहीं। और मुझे भी याद है, सो मेरा फर्स्ट डे था और एक मास्टर था बहुत दूर से था, और समय मैंने कैसे ऐसे लाइनें बोल दी थी, बाद में सर के पास गया और बोला सर ठीक था सर, मतलब बहुत बुरा था। फिल्म सिटी में कैंटीन के बाद मेरा फर्स्ट शॉट ऑफ माय लाइफ, फिर मैंने बोला अरे सर ऐसे कैसे, फिर ऑब्वियसली ही हैज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ग्रूमिंग मी एज एन एक्टर, तब मुझे पता नहीं कितना बुरा एक्टर मैं था, और उसके बाद जब मैं निकला एक डिसेंट एक्टर बन के निकला ऑल थैंक्स टू, उसके बाद तो मैंने भी तुझे डायरेक्ट किया। यस ऑफ कोर्स, इट्स बीइंग इन अ शॉर्ट फिल्म, यस ऑफ कोर्स, इट्स अ लवली रोल, वी हैड गुड फन, सो गुड ऑफ मी कोऑपरेटेड एवरीथिंग, सो दिस इज अ टीम, या एब्सोल्यूट। और एक ऐसी बॉन्ड बन गई थी एक्चुअली उस शो में हम सबकी ना, आज भी हम सब टच में हैं, और एक दूसरे का जब भी कुछ बर्थडे होता है कुछ भी होता है वी आर ऑलवेज। थैंक यू सो मच, हैप्पी बर्थडे सर वंस अगेन। थैंक यू सुनो, लेट मी एनी इवन यू वांट टू लाइक एंड थैंक यू छोड़ के चलिए सर, हमारा हो गया आपका। ऐसे नहीं कर सकते मैं पंद्रह 20% में गया।
Yeah.